फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का HDY YouTube चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। वह नोटिस समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर है। जहाँ पहले लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में दो पेपर हुआ करते थे, जिसमें पहला पेपर जो समान अध्ययन का था, जिसमें जो पहला पेपर आपका समान अध्ययन का था, समान अध्ययन अध्ययन का था और 140 प्रश्न हुआ करते थे, और दूसरा प्रश्न समान हिंदी का था, समान हिंदी का था और यह 60 प्रश्न हुआ करते थे, यानी दो पालियों में दो पेपर हुआ करते थे। लेकिन आज का जो नोटिस जारी हुआ है, एक बदलाव उसमें किया गया। बदलाव ये किया गया है, यह जो पहले था ये 2 घंटे का था और यह 1 घंटे का अलग अलग होता था। लेकिन जो नया बदलाव किया गया, उस बदलाव के तहत अब GS यानी समान अध्ययन प्लस समान हिंदी दोनों प्रश्न पत्र एक ही पेपर में होगा। यानी अब जो दो पालियों में होता था, अब एक ही पाली में होगा। यानी दोनों मिला के अब 200 प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न होंगे, जिसमें 140 प्रश्न GS के यानी समान अध्ययन के और 60 प्रश्न हिंदी के। यानी प्रश्नों की जो संख्या है वह तो सेम है, लेकिन जो दो पाली में हुआ करता था अब उसे एक ही पाली में परीक्षा होगी और समय जो है 3 घंटे का होगा। समय जो है वह 3 घंटे का है। यह प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव किया गया। यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के पैटर्न में ये बदलाव किया गया है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है। मुख्य परीक्षा जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। यानी फिर एक बार सुनिए, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी 2023 के परीक्षा प्रणाली में लोक सेवा आयोग के द्वारा परिवर्तन किया गया। जो पेपर पहले दो पेपर हुआ करता था, एक GS का 140 प्रश्न का और हिंदी समान हिंदी का 60 प्रश्न का, दोनों मिलाकर 200 प्रश्न हुआ करते थे और 200 नंबर का, वह सेम पैटर्न इसमें है। लेकिन परीक्षा का जो प्रणाली है, परीक्षा का जो समय है, वो बदल दिया गया है। अब दोनों मिलाकर यानी समान अध्ययन के 140 प्रश्न और हिंदी के 60 प्रश्न मिलाकर दोनों 200 प्रश्न अब एक ही पेपर में आएंगे, यानी एक ही पाली में परीक्षा होगी और दोनों मिला के जो होगा वो 200 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर के होंगे और 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, जबकि मुख्य परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परीक्षा की तिथि जो 22 दिसंबर है, अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अभी यही है। हमें लगता है कि 22 दिसंबर को दो पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, क्योंकि अगर दोनों दो पेपर अलग अलग होता तो फिर पेपर को 2 दिन कराना पड़ता। लेकिन अब इससे क्या होगा कि एक ही दिन में दो पाली में पूरी परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर एक बार सुनिए, जो पेपर जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा दो पेपर होता था, अब एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर में 140 GS और 60 हिंदी के प्रश्न पत्र होंगे। बाकी आपकी तैयारी अच्छी चली रही होगी, जम के लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। आप सभी को अग्रिम, आप तैयारी में लगे रहें और आप अंतिम परिणाम में चयनित हों, ऐसी मंगल शुभकामना। धन्यवाद।